चली गई है सर। कौन है अंदर? अंदर कौन है? रंग का डब्बा? ये यहां पे कैसे आया? किसने रखा होगा इसे? कौन है यहां पे? अंदर कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? कौन है? सलाम बचा बचा मुझे माफ कर दो सलाम भारी चीज से मारा है। कई बार किए गए हैं सर। लगता है जब तक मर नहीं गया है तब तक खूनी से मारता रहा है। बेचारा। खूनी का हथियार? देखो खून भी बहुत सारा लगा है। आप ही मालिक है ना इस घर के? जी सर, मैं ही मालिक हूं। मेरा नाम मनु है और ये मेरा नौकर था देव। समझ नहीं आ रहा इस गरीब आदमी की किसने जान ले ली। वैसे मनु जी, तुम्हें पता कब चला? सर मैं आज सुबह जब उठा और चाय के लिए देव को आवाज दी तो बहुत देर तक देव आया नहीं। यहां कर देखा तो उसकी लाश पड़ी थी। ये क्या लिखा है? आवाज और स्प्रे पेंट रख लो, शायद इसमें खूनी की उंगलियों के निशान मिल जाए। साहब ये देखिए। माय गॉड, मैं मार डालूंगा तुम्हें भी और उन्हें भी जिन लोगों को तुम चाहते हो। है कौन ये खूनी जो नौकर को मारने के बाद अब धमकी भी दे रहा है? लगता है मनु साहब ये धमकी तुम्हारे लिए ही थी।
इस किसी चीज को लेकर आपका किसी के साथ झगड़ा है, कोई दुश्मनी है? नहीं सर, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जब ये खून हुआ था तो आप कहाँ पे थे? मैं अपने ऊपर वाले कमरे में नींद की गोली लेकर सो रहा था और मुझे पता भी नहीं चला कि नीचे ये सब हो रहा है। वैसे किसी के ऊपर शक है तुम्हें? जी नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। पता नहीं कौन है जो ये मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। करते क्या हुआ? जी मैं एक लेखक हूँ, कुछ किताबें वगैरह लिखता हूँ। मैंने एक किताब लिखी थी जो बहुत मशहूर हुई थी, जिसका नाम था शौकीन। सर मैंने भी बहुत नाम सुना इस किताब का, बहुत अच्छी किताब है। लेकिन आजकल मुझे कोई नहीं पूछता सर, ना ही मेरी कोई लिखाई पसंद करता है। ऊपर से ये हमला, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। घबराइए मत, जल्दी से जल्दी ढूंढ लेंगे इस खूनी को, तब पूछ लेना उससे क्या बिगाड़ा है तुमने उसका। सर कमाल की बात कि घर में घुस के खूनी ने नौकर का खून भी कर दिया और मनु को पता तक नहीं चला। हो सकता है ये मनु झूठ बोल रहा हो हमसे, मुझे तो लगता है वो अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुप गया होगा। और जैसे ही खूनी नौकर का खून करके चला गया, ये बाहर निकल गया है। सर लेकिन खूनी के बारे में पता कैसे चलेगा, क्योंकि जिस बात से उसने नौकर पे हमला किया था उस पे उंगलियों के निशान नहीं है और ना ही उस रंग के डब्बे पे उंगलियों के निशान है। सचिन, ये मनु मशहूर बिजनेसमैन राजेंद्र का सौतेला बेटा था? हाँ सर, और इसका एक सौतेला भाई भी है रोहन। राजेंद्र ने अपनी सारी जायदाद मनु के नाम कर दी और उसमें से रोहन को एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खून रोहन ने किया हो प्रॉपर्टी की लालच में? शक तो उसी पे जाता है। सर सर मेरा नाम विक्रांत है, मैं पब्लिशर हूँ। आपका फोन आया था मुझे। हाँ मिस्टर विक्रांत, हम तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं मनु के बारे में। सर प्लीज, मनु के बारे में मुझसे कुछ भी मत पूछिए। क्यों, क्या हुआ? सर मैं उसी की वजह से बर्बाद हो गया हूँ। मगर तुमने तो उसकी पहली किताब छापी थी और उसमें काफी कमाई भी की थी, तो बर्बाद कैसे हो गए? सर मैं मानता हूँ कि उसकी पहली किताब मैंने छापी थी और वो काफी हिट भी हुई थी, लेकिन मुझसे गलती हो गई सर। मैंने उसे 3 किताबों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। फिर क्या हुआ? सर उसकी पहली किताब शौकीन तो बहुत अच्छी चली, लेकिन बाकी दोनों बिल्कुल बेकार। ऐसा क्या हुआ कि पहली किताब तो चल निकली लेकिन बाकी की 2 किताबें बिल्कुल नहीं चली? सर उसकी दोनों किताबों को पढ़कर ऐसा लगता है कि उसने पहली किताब कहीं ना कहीं से चोरी की होगी। सर क्यों, ऐसा क्या था इन 2 किताबों में? एकदम बकवास है सर, उसने क्या लिखा था, क्या समझाना चाह रहा था, किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये भी तो हो सकता है मिस्टर विक्रांत कि तुम ही मारना चाहते हो मिस्टर मनु को, उसके नौकर का खून भी तुमने ही किया। ये कैसी बात कर रहे हैं साहब, मैं जुबान से भले ही कुछ भी कह सकता हूँ लेकिन मैं सब किसी की जान नहीं ले सकता। ठीक है तुम जा सकते हो, हम अगर जरूरत पड़ी तो फिर बुला लेंगे। ओके सर। सर हाँ प्रदीप, कुछ पता चला वो रंग के डिब्बे कहाँ से खरीदे गए? हाँ सर, पेंट के डिब्बों पे जो लेबल लगे हुए थे उनसे पता चला है कि वो डिब्बे लोखंडवाला से खरीदे गए हैं, किसी पीके हार्डवेयर से। पीके हार्डवेयर से, चलो चल के देखते हैं कि वो पेंट के डिब्बे किसने खरीदे थे। सर इस रंग के डिब्बे पे इसी दुकान का स्टिकर चिपका हुआ है सर। चमत्कार देखो सर, बिना आदमी के दुकान चल रही है। बोलो साहब, मैं यही हूँ, नीचे थोड़ा सामान सजा रहा था। क्या चाहिए आपको? ये रंग का डिब्बा आप ही कहाँ से खरीदा गया? हाँ ये डिब्बा हमारी दुकान से खरीदा गया है। किसने खरीदा था कुछ मालूम है आपको? ये तो याद नहीं कि ये डिब्बा किसने खरीदा और किसने नहीं खरीदा, इतने ग्राहक आते हैं कि याद रखना बड़ा मुश्किल है। मगर आप ये सब बात क्यों पूछ रहे हैं? देखिए हम लोग CID से और एक खून की तहकीकात कर रहे हैं। खून? देखिए घबराइए मत, आप सोच के बताइए, पिछले 2 दिनों में आपके यहाँ से इस रंग का डब्बा कोई खरीद के ले गया था क्या? पिछले 2 दिनों में? सर इस तरह तो बड़ा मुश्किल है, कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इतने ग्राहक आते हैं कि याद रखना थोड़ा मुश्किल है सर। ठीक है फिर भी सोचने की कोशिश कीजिए, शायद कुछ याद आ जाए और आइंदा कोई भी ऐसे रंग का डिब्बा खरीदने आए
तो हमें जरूर बताना, ठीक है? जी सर, थैंक यू, नमस्ते। मनु तुम्हारा भाई है ना? जी हाँ, भाई है मगर सौतेला। मगर आप मनु के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कल रात किसी ने मनु पे हमला किया और उसके नौकर का खून कर दिया है। अरे लेकिन सर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देखिए मैंने अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए उससे। क्यों? मनु ने दौलत में से तुम्हें कुछ नहीं दिया इसलिए ऐसा बोल रहे हो? मुझे नहीं चाहिए ये हराम की दौलत सर। मेरा ये घर महलों से कम नहीं है और ये दौलत सब यहीं रह जाएगी सर। सिर्फ अच्छाइयां साथ जाती हैं जो उसके अंदर जरा भी नहीं। क्यों? मनु सही आदमी नहीं है क्या? एक नंबर का धोखेबाज है सर, हमेशा घमंड में रहता है, पैसों की अकड़ है उसके अंदर। कल रात को कहां पर थे तुम? जी मैं तो घर पे ही था सर। अच्छा, हमें तुम्हारी उंगलियों के निशान चाहिए। लेकिन सर मेरी उंगलियों के निशान क्यों? मैंने थोड़ी हमला किया उस पर। जितना बोला है उतना ही करो, उंगलियों के निशान दो। अभिजीत, मुझे शक है ये रोहन हमसे कुछ छुपा रहा है, किसी बात को दबा के रख रहा। बात ही कुछ ऐसी कर रहा था। मुझे लगता है ये हमला करने वाले को जानता होगा, इसकी हरकतों पर नजर रखनी चाहिए। Come on! Damn it! लोग पता नहीं फोन क्यों ले लेते हैं जब उठाना नहीं होता। किसी को फोन लगा रहा था सर, लेकिन लग नहीं रहा था इसलिए बार बार ट्राई कर रहा था। अभिजीत देखते हैं कहां जाता है। क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों? तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ा हुआ है। सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। साफ साफ बोलो ना, मैंने क्या काम बिगाड़ा है? मनु, मनु क्या किया मनु ने? तुम्हारे घर आया था वो? नहीं, वो मेरे घर नहीं आया, मगर किसी ने उस पर हमला किया है, मारना चाहता है कोई उसे, और सीआईडी वाले मेरे घर तक आए थे, शक कर रहे हैं वो मुझ पर। और तुम भागे भागे यहाँ चले आए है ना? हाँ, तुम्हारे अलावा उस पर कौन हमला कर सकता है? पागल जैसी बातें मत करो, मैं क्यों हमला करूंगी उसके ऊपर? हो सकता है कि बदला लेना चाहती हो तुम उससे। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ वही कर रही हूँ जो तुमने मुझसे कहा है करने के लिए। लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो? आप लोग कौन हैं और इस तरह बिना पूछे मेरे घर में कैसे घुस गए? मौका अच्छा था पूछना, उचित नहीं समझा घुसा? वैसे हम सीआईडी से हैं। सीआईडी मेरे घर? क्या काम है ऑफिसर? इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि मनु के बारे में आप लोग जो कुछ भी जानते हैं सब सच सच बता दें। सर सच ये है कि नेहा और मनु पति पत्नी थे। क्या पति पत्नी थे? क्या मतलब है? मतलब ये कि अब हम दोनों पति पत्नी नहीं है। मैंने तलाक के लिए अर्जी दे रखी है कोर्ट में। मनु को इसके बारे में मालूम है? मनु सब कुछ जानता है और वो ये भी जानता है कि तलाक लेने में रोहन मेरी मदद कर रहा है। अच्छा, और आपको तलाक क्यों चाहिए मनु से? वो साथ रहने लायक है ही नहीं, उससे किसी की हंसी बर्दाश्त नहीं होती, उसे बीवी नहीं गुलाम चाहिए थी, और उसका किसी और से अफेयर भी है। कौन है वो लड़की? मैं नहीं जानती, मगर मुझे ये खबर मिली थी कि अब उसने उससे भी नाता तोड़ लिया है। वो किसी के साथ खुश नहीं रह सकता सर, उसे कोई चाहिए ही नहीं। हमें वो लड़की चाहिए और वो लड़की कौन है ये मनु ही बताएगा। मिस्टर मनु, आपने हमें बताया नहीं कि आप शादीशुदा हैं? सर मैं शादीशुदा जरूर हूं, पर मेरी बीवी के साथ जमती नहीं और वो भी मेरे साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए हम दोनों तलाक ले रहे हैं। हम लोग अभी अभी आपकी बीवी से मिलके आ रहे हैं, उन्होंने बताया कि आपका किसी और लड़की के साथ संबंध है, इसलिए आप उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जी सर, ये बात सच है कि मेरे किसी और लड़की के साथ संबंध थे,
उसका नाम प्रीति था। मैं उससे प्यार जरूर करता था, पर जब मुझे पता चला कि वो मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार करती है, तो मैंने उसे छोड़ दिया। कितने दिनों तक संबंध रखे थे तुमने उस प्रीति से? जी ये कोई 3 महीना। हो सकता है वही प्रीति तुम्हारे पीछे पड़ी हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता सर कि प्रीति ये सब कर सकती है। कर आप जरा एड्रेस दीजिए उस प्रीति का, हम पता लगा लेंगे वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। प्रीति ये दरवाजा, दरवाजा तो खुला हुआ तो है कि नहीं घर पे? हेलो कोई है घर पे? प्रीति, प्रीति लगता है कुछ गड़बड़ है। संभाल गए पहुंचने से पहले इसे भी मार दिया। इसे भी ठीक उसी तरह से मारा जैसे मनु के नौकर को मारा गया था। घर को छान मारो अच्छी तरह से। आसपास तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, शायद ये लड़की अकेली रहती थी, इसीलिए खूनी ने मौके का फायदा उठाया और किसी भारी चीज से लगातार इसके सर पे मार के इसका खून कर दिया। ये गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडल इन डिबेटिंग 1985 टीसी कॉलेज। इस लड़की की लाश के पास पड़ा था। हो सकता है ये खूनी का, इसका खुद का भी हो सकता है। जब तक कोई पूरी जानकारी नहीं मिल जाती कुछ कह नहीं सकते। ये क्या? सर लगता है यही है वो हथियार। ये देखिए इस पे खून लगा हुआ है। रेडी, इस हथियार को उस लड़की की लाश को डॉक्टर सांगप के पास पहुंचा दो, ठीक है? यस सर। ये माय गॉड, मैंने अपना वादा निभाया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दिया। सर लगता है ये वही खूनी है जो मनु को मारना चाहता है, और उसके सर्वेंट का भी खून इसी ने किया। और इस बार खूनी ने दूसरा रंग इस्तेमाल किया है, हरा रंग। सर, और रंग का डब्बा भी नहीं छोड़ा। लगता है वो जानता था कि इससे वो पकड़ा जाएगा। कोई बात नहीं सचिन, फिर से उस हार्डवेयर स्टोर में चलते हैं जहां से उसने पहले भी रंग खरीदा था। शायद इस बार भी वहीं से खरीदा हो। और इस टीसी कॉलेज में चल के पता करते हैं कि ये मेडल किसका है। Excuse me. सर आप लोग फिर से यहाँ? अब क्या हो गया? एक और खून हो गया। पिछली बार हमने तुमसे जो पूछा था वही पता करने आए। जो आदमी पहली बार यहाँ से रंग लेके गया वही आदमी दोबारा यहाँ से पेंट लेके गया है, हरे रंग का स्प्रे पेंट। कौन था वो आदमी? हाँ याद आया सर। चलो कुछ तो याद आया, कौन था वो? सर वो एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का आदमी था। मतलब? मैं जब दुकान बंद कर रहा था तभी वो आया। हाँ उसने काले रंग का कोट पहना हुआ था। अरे उसका चेहरा कैसा था वो बताओ। चेहरा सर
चेहरा देखने की कोशिश तो मैंने बहुत की पर देख नहीं पाया। क्यों? चेहरा क्यों नहीं देखा? उसने अपना चेहरा कवर कर रखा था। मैंने जब उसे कहा कि कल आके रंग ले लेना, मैंने अब दुकान बंद कर दी है, तो वो मुझे डांटने लगा। डांटने लगा? हाँ सर, और उसकी डांट की डर की वजह से मुझे दोबारा दुकान खोलनी पड़ी। वो लाल रंग का डिब्बा मांग रहा था। मैंने कहा मेरे पास लाल रंग का डिब्बा नहीं है, तो उसने कहा तो दूसरा दे दो। और तुमने हरे रंग का पेंट उठा के उसे दे दिया? जी सर। अच्छा, बाद में वो आदमी किस तरफ गया? सर ये तो नहीं मालूम कि किधर गया, पर वहां से उसने एक ऑटो पकड़ा था और ऑटो वाले को बोल रहा था कि लोखंड वाला थर्ड क्रॉस रोड जाना है। लोखंड वाला थर्ड क्रॉस रोड? यहीं पे तो मनु की गर्लफ्रेंड भी रहती है। हाँ सर, त्रिशंकु अपार्टमेंट। पता कैसे चलेगा सर? सारे रिक्शा वालों से पूछताछ करते हैं, शायद हमें वो रिक्शा वाला मिल जाए जिसने उसे वहां तक छोड़ा। वही कुछ बता सकता है मैं उसके बारे में। चलो। अरे राजू, राजू, अरे वो साइकोलॉजी की बुक कहाँ रखी है तुमने? हाँ, अरे मेरा चश्मा कहाँ रखा है? अरे कहाँ चला गया था? कम से कम जाने के पहले बोल के तो जाना था। अच्छा वो साइकोलॉजी की बुक कहाँ है और मेरा चश्मा कहाँ रखा है तुमने? आपका चश्मा आपके माथे पे है। आई एम सॉरी, मैं आपको राजू समझ बैठा। वैसे आप कौन? मैं इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। सीआईडी? क्या हुआ सर? एक खून हो गया है, उसी सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी थी मुझे। खून हमारे कॉलेज में? नहीं नहीं, आपके कॉलेज में नहीं हुआ है। आप जरा ये मेडल देखिए, ये मेडल आपके कॉलेज का ही है ना? जी सर, ये हमारे यहाँ का है। क्या बता सकते हैं ये मेडल आपने किसको दिया था? हाँ हाँ श्योर, जस्ट दो मिनट। ये रहा सर, ये ऋषभ नाम के स्टूडेंट को दिया गया था। ऋषभ? जी, बहुत ही हुनर स्टूडेंट था, कमाल का लिखता था, उसी के लिए उसे ये मेडल दिया गया था। कमाल का राइटर और खूनी? खूनी? जी हाँ, इसने खून किया है। आप जरा इसका एड्रेस दीजिए मुझे। यस श्योर, ये देखिए। श्यामनगर। थैंक यू वेरी मच। यस। एंड बाय द वे, ये साइकोलॉजी की बुक आपकी। थैंक यू सर। देखो यही कहीं होना चाहिए रिक्शा में। ओ देखो वहां बैठा है। अरे सर नमस्कार, आप लोग यहाँ? एक एक कटिंग हो जाए साहब। ए तुम्हें तो मालूम है चाय वाय नहीं पीते। कुछ पूछताछ करनी तुमसे। हाँ सर बोलिए सर। तुम लोग ज्यादातर रिक्शा वाले यही लोखंड वाला के आसपास रिक्शा चलाते रहते हो? हाँ सर, इधर ही चलाते हैं। अच्छा, कल रात को पीके हार्डवेयर से किसी आदमी को तुम लोगों ने लोखंड वाला थर्ड क्रॉस रोड पे छोड़ा था? काले रंग का कोट पहना हुआ था और कोट की टोपी से अपना चेहरा ढका हुआ। हाँ सर, उसको तो मैंने ही छोड़ा था। बड़ा ही अजीब आदमी था सर। क्यों अजीब क्यों लग रहा था? अरे सर, मुझसे झगड़ने लगा और कहने लगा कि तुम्हारा मीटर खराब है, 20 रुपए ज्यादा है मीटर। फिर क्या सर, 20 रुपए कम दिए और उतरकर त्रिशंकु बिल्डिंग में चला गया। तुम्हें उसका चेहरा याद है? नहीं सर, चेहरा तो याद नहीं है, लेकिन सर उसका बटुआ बड़ा कीमती था। मेरी नजर तो बार बार उसके बटुए पे जा रही थी सर। ऐसा क्या था उसके बटुए में? हरे रंग का और बहुत ही सुंदर सा ब्रांडेड। ब्रांडेड? बड़ा फैशनेबल खूनी है। अच्छा कौन सा ब्रांड है, कुछ नाम वगैरह देखा उस कंपनी का? कुछ बड़ा सा एल बना हुआ था सर उस बटुए के ऊपर। एल किस कंपनी का हो सकता है? ये तो कोई वॉलेट बेचने वाला ही बता सकता है। थैंक्स। अच्छा वो आदमी कहीं आसपास फिर से नजर आए तो हमें फोन कर देना। जी साहब। चाय के लिए शुक्रिया।
केशव का ही घर है ना? जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। कहिए, बात क्या है? बात तो बाद में बता दूंगी, पहले बताइए आप कौन है? जी मैं यहाँ की देखभाल करता हूँ, केयर टेकर हूँ। आप? मैं सीआईडी से। सीआईडी से? आइए आइए। अब जरा ऋषभ को बुलाइए। ऋषभ तो यहाँ पे नहीं रहता मैं। कहाँ गया है? वो तो मर चुके हैं। मर चुका? कब? पिछले साल आत्महत्या कर ली थी उसने। आत्महत्या? लेकिन क्यों की आत्महत्या? मैडम सदमे में आ गए थे वो, जब उन्हें पता चला कि उनकी लिखने की मेहनत सब बेकार गई तो उन्होंने गोलियां खा के खुदकुशी कर ली। जवानी में आत्महत्या कर ली? वैसे आप चाय वाय लेंगे? नो थैंक यू। शॉकिंग, ये नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। मैडम ये नाम आपने कहाँ से सुन लिया? ये स्क्रिप्ट तो ऋषभ साहब की, जो आज तक नहीं छपी। मनु की पहली किताब का नाम भी तो यही था जो इस स्क्रिप्ट का है। हेलो अभिजीत सर। हाँ काजल बोलो। सर ऋषभ के घर से मुझे एक स्क्रिप्ट मिली है, किताब छपने से पहले का जो ड्राफ्ट होता है वो। सर स्क्रिप्ट का नाम भी शौकीन है सर। मतलब मनु ने स्क्रिप्ट चुराई है ऋषभ की और वो चुरा के उसने छपवा दिया नाम वगैरह बदल के। ऋषभ बेचारा ऐसे ही रह गया। हाँ सर, सर इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। ठीक ही है, चलो बाद में बात करते हैं। ओके सर। अब तो मनु ही बताएगा सच्चाई क्या है। क्या बात है फ्रेडी, बहुत परेशान लग रहे हो तुम। परेशानी की तो बात है सर, अपराधी भी आजकल फैशन करने लगे, हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ हाँ तुम भी कर सकते हो, किसने मना किया? अच्छा फिर ठीक है, कल से मैं भी अच्छी कंपनी का ही वॉलेट रखूंगा। वैसे सर उस कंपनी के बारे में पता चला, एल नाम की कौन सी कंपनी है? हाँ फ्रेडी पता चल गया, ये देखो एल से लेवेंड नाम की कंपनी है। इसके सिवा एक ही दुकान है जो अभी अभी जू में खुली है। काफी महंगी कंपनी है क्या? हाँ महंगी तो होगी, तभी तो इस ब्रांड की सिर्फ एक ही दुकान है अभी तक। फिर तो सर उस दुकान में जाके जरूर पता चल जाएगा कि वो हरे रंग का वॉलेट किसने खरीदा था। हाँ फ्रेडी इस दुकान से ही पता चलेगा उस हरे रंग के वॉलेट के बारे में। अभिजीत हम सोच रहे थे कि खून प्रीति ने किया है, लेकिन खूनी तो कोई और ही है और उसी ने प्रीति का भी खून किया है। बहुत चला के खूनी सर, इस बार तो उसने खून करने का हथियार भी नहीं छोड़ा है और हर बार वॉल पे अलग अलग कलर इस्तेमाल कर रहा है। अभिजीत शौकीन, इसी नाम की किताब हमने ऋषभ के घर में देखी थी। शौकीन नहीं, उसने ये किताब चुरा के अपने नाम से तो नहीं छपवा ली है? मनु जी ये ऋषभ वही है ना जिसने रातों रात आपको स्टार बना दिया और आप आसमान पे जाके बैठ गए, और ये किताब शौकीन ये भी उसी ऋषभ की है ना जिसकी नकल उतार कर उसका खुद लेखक बन गए। क्यों? देखो सच सच बताओ क्या हुआ है, ये मत भूलो तुम्हारी जान को खतरा है। जी सर ये किताब ऋषभ ने लिखी थी, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा लिखता था वो, उसे अपने काम से बहुत प्यार भी था। इस बात से जलते थे कि बहुत अच्छा लेखक था इसलिए उसकी किताब चुरा के खुद लेखक बन गए हैं? और तुम्हारी इसी हरकत की वजह से उसने अपनी जान दे दी, समझे? क्या ऋषभ मर गया? हाँ उसने आत्महत्या कर ली है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें,
ऐसे गंदे काम करते हो और अब हमसे कहते हो कि कोई तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है? आइए सर, क्या दिखाऊं आप? हम लोग सीआईडी से कुछ पूछताछ करनी है आपसे। हम बोलिए सर, क्या बात है? ये बताओ कि पिछले 3-4 महीनों में आपके यहाँ से कितने हरे रंग के वॉलेट बेचे गए? बेचे हुए सामान का रिकॉर्ड तो रखते होंगे ना? जी सर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हरे रंग का वॉलेट वैसे बहुत कम लोग खरीदते हैं, लेकिन मैं चेक करता हूँ सर। ये रही सर बिल की कॉपी। किसी नेहा नाम की लेडी ने हरे रंग का वॉलेट खरीदा है सर। नेहा ने खरीदा था ये वॉलेट? जी सर। ये नेहा मनु की बीवी? एड्रेस तो लिखा है ना बिल में? जी सर, एड्रेस लिखा है। जरा बिल देना। जी सर। सर, ये नेहा खूनी है? खूनी नेहा भी हो सकती है, और वो भी जिसे नेहा ने ये वॉलेट दिया था। नेहा से मिलते हैं, वही बताएगी। हाँ जी, ये हरे रंग का वॉलेट नेहा ने खरीदा था। हाँ, ओके। टीवी अपने आप कैसे बंद हो गया? पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। प्लग अपने आप कैसे निकल गया? यहाँ तो कोई भी नहीं। इस बार तुम्हारी बीवी का नंबर है। न्या? 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 इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सर, न्या? Thank you.
ब्लड प्रेशर तो भी नॉर्मल है, जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, नेहा की हालत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है। होश तो आ गया होगा ना उसे? जी हाँ, उसे होश आ गया है। हम बात कर सकते हैं उससे? अभी उससे बात करने में खतरा है। देखिए डॉक्टर साहब, हमारा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। उसने खूनी को देखा है, जो जरूरी बात है हम वही पूछेंगे उससे, और कुछ नहीं। ठीक है ऑफिसर, लेकिन ज्यादा देर तक बात मत कीजिएगा। थैंक यू। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुमने जो हरे रंग का वॉलेट खरीदा था वो किसको दिया था तुमने? रोहन को दिया था? बोलो। तो फिर किसको दिया था, याद करने की कोशिश करो। वही खूनी है जिसने तुम पर हमला किया था, उसी ने मनु के नौकर का और प्रीति का भी खून किया। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ क्या बोलो। नर्स साहब, पेन और पैड। क्या नेहा, इस तो उस आदमी का नाम लिख दो जिसको तुमने वो पर्स दिया था। तो ये है वो छुपा हुआ खूनी। इससे पहले कि ये किसी और को भी अपना शिकार बनाए, इसे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है यहां? कौन है? कामयाबियों का पिटारा भर चुका है, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मरना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे मुझे सिर्फ रमेश मार सकता है, सिर्फ रमेश। रमेश? क्या? कौन कौन रमेश? मैं रमेश, सिर्फ मैं मार सकता हूं। मनु को सिर्फ मैं मार सकता हूं और कोई नहीं मार सकता। मिस्टर मनु उर्फ रमेश, तो खूनी तुम हो? हाँ, मैं ही खूनी हूं। नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। खूनी रमेश है, मैं तो मनु हूं। तुम ही मनु हो और तुम ही रमेश हो,
और तुमने ही अपने सर्वेंट का खून किया है। अब प्रीति का खून भी तुमने ही किया है और हमें गुमराह करने के लिए तुमने प्रीति की लाश के पास ऋषभ का गोल्ड मेडल रख दिया। नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। वो मेडल वहां कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता। इसने खुद ने ही तो खून किया है, इसे याद कैसे नहीं है? फ्रेडी, इस बीमारी में ऐसे ही होता है, ये दिमाग की बीमारी है, इसमें कुछ याद नहीं रहता आदमी को। जिस डॉक्टर ने कुछ साल पहले तुम्हारे दिमाग का इलाज किया था, उसी ने हमें बताया तुम्हारी इस बीमारी के बारे में। तुम्हें अभी भी इलाज की जरूरत है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।